गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? सबसे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। दोस्तों, दो लोगों के एक साथ काम पर आधारित प्रश्न का ये हम लोगों का पार्ट टू है। पार्ट वन इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आज पार्ट टू अपना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आज मैं आपको। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट कि आप इस उस तरह का क्वेश्चन, यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं। 5 सेकंड के अंदर आप ऐसे प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। बस आप मेरी बात को 2 मिनट ध्यान से सुन लीजिएगा। बस अब दोस्तों, आपको बस यहां पर 2 चीज जानना है कि ये जो आपका डे होता है, एक हिंदी में बोलूं तो दिन और पार्ट या बोले भाग, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, हम लोगों का पार्ट भाग का मतलब होता है कि एक दिन में किया गया कार्य। जो हमारा एक दिन में किया गया कार्य होता है उसको हम लोग पार्ट बोलते हैं या भाग बोलते हैं। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लिया, एक किसी कार्य को 15 दिन में खत्म कर सकता है, एक किसी कार्य को 15 दिन में खत्म कर सकता है। और दोस्तों, बी उसी कार्य को मान लिया कि 25 दिन में खत्म कर सकता है। यदि दोस्तों ए कार्य को 15 दिन में खत्म कर सकता है तो ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? तो एक दिन में 1/15 कार्य कर रहा होगा। यदि मैं पूछूं 2 दिन में कितना कार्य कर रहा होगा तो आप कहेंगे सर 2 दिन में 2/15 कर रहा होगा, 3 दिन में 3/15 कार्य कर रहा होगा। ऐसे दोस्तों, बी यदि 25 दिन में कार्य कर लेता है तो 1 दिन में कितना कर रहा होगा? तो कहेंगे सर 1 दिन में 1/25 कार्य कर रहा होगा। अब दोस्तों, यदि किसी के बटे में कुछ नहीं होता तो उसके बटे में क्या होता है? उसके बटे में हमेशा और हमेशा 1 होता है। तो 15 के बटे में कुछ नहीं तो हमने मान लिया 1। ऐसे 25 के बटे में कुछ नहीं तो 25 के बटे में क्या लिखा रहा होगा? 1 लिखा रहा होगा। अब दोस्तों, यहां से आप एक बात देखिए ध्यान से कि दोस्तों एक किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा था, इसी का उल्टा 1 दिन में कितना कार्य कर रहा था? ये 1/15। तो दोस्तों देखिए, 15/1 लिखा था और ये क्या लिखा? 1/15। तो यहां से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बन गया हम लोगों का कि जो आपके दिन होते हैं वो भाग का जस्ट उल्टा होता है। ए बी देखिए, 25 दिन में किसी कार्य को कर रहा था तो इसका 1 दिन का कार्य कितना आ गया? 1/25, मतलब जस्ट इसका उल्टा। तो दोस्तों, आपको यहां से एक बात आप समझ गए होंगे कि जो आपका दिन होता है वो भाग का जस्ट उल्टा होता है। यदि आपके दिन 15/1 दिए हैं तो आपका 1 दिन का कार्य कितना आ जाएगा? तो 1/15। दोस्तों, इसको भाग बोलो या 1 दिन का किया गया कार्य बोलो, दोनों सेम बातें हैं। तो यदि दोस्तों आपको कुल दिन दिए गए हैं कि एक किसी कार्य को 15 दिन में खत्म करता है तो यदि मुझे बताना है 1 दिन में कितना कार्य कर रहा होगा तो आपको जस्ट क्या करना है? इसका उल्टा कर देना है। बस दोस्तों, यहीं से आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया। यदि इतनी बात समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा था कि यदि ए और बी किसी कार्य को मिल करके कितने दिन में खत्म करेंगे उसका मुझे बताना है। तो मैंने क्या बताया था? a × b करा दीजिए और बटे में क्या लिख दीजिए? a+b। यही दोस्तों क्या आ जाएंगे? a+b के मिल करके काम को खत्म करने के दिन आ जाएंगे। अब दोस्तों, यदि ये a+b के मिल करके काम को खत्म करने के दिन दिए हैं तो दोस्तों यदि मुझे a और b का 1 दिन का कार्य निकालना है तो आपको जस्ट क्या कर देना है? इसी का जस्ट उल्टा कर देना है। ये a और b के कुल दिन दिए गए हैं और आपको यदि 1 दिन निकालना, 1 दिन का कार्य a और b का निकालना है तो आप जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। तो नीचे में क्या था? a+b। तो यहां पर यह क्या पहुंच जाएगा? ऊपर में हो जाएगा a+b। यहां पर ऊपर था a+b तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे a × b आ जाएगा। यही दोस्तों क्या आ जाएगा? आपका ए और बी का 1 दिन का कार्य आ जाएगा। अब देखिए, सेम चीज क्वेश्चन में करिए। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। यदि वे दोनों 5 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा? अब दोस्तों, यहां से देखिए, आपको यह चीज यहां से पता है
कि ये जो a प्लस बी बटे ए इंटू बी एक दिन का कार्य है, आपको कितने दिन का निकालना है? a और b का पांच दिन का कार्य निकालना है। ये आपका एक दिन का कार्य है, पांच दिन का निकालना है, तो आप इसमें सिंपल सा पांच का मल्टीप्लाई करा दीजिए। बस दोस्तों आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप क्या करिए, a कितने दिन, a के हैं 10 दिन, b के हैं 20 दिन, बस a और b की वैल्यू रख लीजिए और क्वेश्चन को हल करिए। बस दोस्तों आपका आंसर आ गया, इसको मल्टीप्लाई पांच करा दिया। अब दोस्तों इस चीज को एक बार और लिख लीजिए आप, ये 10 इंटू 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, और 10 इंटू 20 को हमने ऐसा ही लिखा रहने दिया और इसमें मल्टीप्लाई पांच का करा दिया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, पांच एक कम पांच, पांच दुनाई दस, तो दोस्तों कितना जाएगा ये 3, और दो दुनाई 4, तो पांच दिन में दोस्तों कितना कार्य समाप्त हो जाएगा, तो 3/4 भाग हम लोगों का पांच दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। हमसे क्या पूछा, कितना भाग समाप्त हो जाएगा, तो 3/4 भाग हम लोगों का समाप्त हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों देखिए कितना आसान तरीका था ये क्वेश्चन करने का। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल तुरंत आसान शब्दों में बताएंगे। एम किसी काम को कितने दिन में करता है, तो सर कहेंगे एक किसी काम को 12 दिन में करता है। एन उसी काम को समाप्त करने में एम से आधा समय लेता है, तो यदि एम 12 दिन में करता है तो एन कितने दिन में करेगा, तो कहेंगे सर एन 6 दिन में करेगा। अब दोस्तों आप क्या बताना है, एक दिन में कितना काम करेंगे। अब दोस्तों हमें पता होता है कि ए और बी के कितने, यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो ए और बी को कितने दिन लगते हैं, तो उसका हमने फार्मूला पढ़ रखा था, ए क्रॉस बी और बटे में ए प्लस बी। लेकिन दोस्तों हमें इसमें यह तो बताना है कि एम और एन कितने दिन में कार्य को खत्म करेंगे, हमें बताना है एक दिन में कितना करेंगे। तो मैंने क्या बताया दोस्तों, जो ये दिन का जस्ट उल्टा होता है वही हम लोगों का एक दिन का काम होता है। तो ये देखिए, ये ए एम और एन के इतने दिन कार्य करने में लगता है, हमें एक दिन का बताना है, तो इसका जस्ट उल्टा कर दिया, तो ये ए प्लस बी और बटे में क्या आ गया, ए इंटू बी। बस दोस्तों एक दिन का कार्य इतना ही होगा। अब आप ए और बी का मान रख दीजिए, तो ए की जगह कितना है 12, तो यहां पर 12 रख दीजिए, और दोस्तों फिर प्लस 6 और बटे में क्या है 12 इंटू 6। आप इसको और हल कर लीजिए दोस्तों, कितना आएगा ये 12 6 18 और बटे 12 इंटू 6 6 1 6 6 3 18 3 1 3 3 4 12। दोस्तों एक दिन में कितना कार्य समाप्त करेंगे, तो 1/4 काम एक दिन में करेंगे। बस दोस्तों यही आपका बी पार्ट आंसर हो गया। दोस्तों देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बिना पेन के लगा सकते हैं यदि आपको यह तरीका पता है। बस दोस्तों मैं बार बार आपको एक ही चीज पे फोकस करने के लिए कह रहा हूं कि जो हम लोगों का दिन का उल्टा होता है वो क्या होता है, हम लोगों का एक दिन का किया गया कार्य होता है। और दोस्तों हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है कि ए और बी यदि मिल करके काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, तो ए इंटू बी अपान ए प्लस बी, ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। और दोस्तों यदि ये ए प्लस बी की ये दिन दी है, एक दिन का कार्य निकालना है, तो जस्ट इसका उल्टा कर दिया, तो एक दिन का कार्य आ गया। अब दोस्तों चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोस्तों यहां पर क्यों होगा, क्यों उसी काम को, देखिए यहां पर क्यों है, क्यों उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, यदि वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करें तो उस काम को कितने भाग पूरा करेंगे। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, वही ए प्लस बी बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, ए इंटू बी। ये एक दिन का कार्य आ गया, हमें कितने दिन कराना है 5 दिन, तो 5 का मल्टीप्लाई। अब दोस्तों ए का मान कितना है 10, बी का मान कितना है 15, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 25, और बटे में दोस्तों ए का मान है 10 और बी का मान है 15, बी का मान दोस्तों कितना है 15, तो बी का मान 15 लिख दिया, इंटू में 5 दिन का निकालना था, तो 5 का मल्टीप्लाई। अब इसको काटिए, तो 5 1 5 5 2 9 10 5 3 15 5 25, तो 5 दिन में दोस्तों ये 5 आ गया, 3 2 9 6, 5 दिन में दोस्तों कितना भाग काम समाप्त हो जाएगा, तो 5/6 भाग समाप्त हो जाएगा, यही हम लोगों का आंसर आ गया।
चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार आए हैं, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक काम को 10 दिनों में भी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, यदि वे दोनों दो दिन के लिए एक साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग समाप्त होगा, ये मुझे बताना है। बस दोस्तों आप सबसे पहले एक दिन का कार्य निकाल लीजिए। तो एक दिन का कार्य निकालने का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी, और ये दोस्तों क्या बटे में ए इंटू बी। इनको कितने दिन कार्य करना है, दो दिन, तो दो का मल्टीप्लाई। एक का मान कितना है, 10 दिन में भी 20 दिन में, तो दोनों को जोड़ लिया कितना आ गया दोस्तों 30, और दोनों का नीचे मल्टीप्लाई तो 10 इंटू 20। और दोस्तों कितने दिन का निकालना है, दो दिन का, तो दो का मल्टीप्लाई। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो एक कम दो, दो पंचे दस, दो पांच दुनाई दस, तो कितना होगा दोस्तों 3/10, कौन सा आ जाएगा आपका ए पार्ट। दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा ऐसी बेहतरीन और क्वालिटीदार वीडियो देखने के लिए।